सॉरी कराएगा ना? बिल्कुल कराएंगे, पक्की बात है। मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे, रुक जाइए ना यहाँ, रुक जाए मैंने टैक्सी और भी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, दिस इज़ योर बॉय साद अहमद एंड यूर वॉचिंग साद के व्लॉग्स। आज रमज़ान भी है, मतलब रोज़ा भी है, और मुझे आज बहुत सारे काम हैं, तो करते हैं कि करके काम आपको दिखाते हैं साथ साथ क्या क्या काम है। मुझे पहले तो किसी दोस्त को उठाते हैं ना साथ, अकेले काम शाम नहीं होते, तो बैग चेक निकाल लिया मैंने, जाते हैं बस। माशाल्लाह हाजी साहब, कब का है, कब आए उमरा करके? बस ये एक आध दिन ही हुआ, एक आध दिन ही हुआ रमजान में। हाँ रमजान हो जाता है ना। अच्छा मौसम ही तो होता है ना। अच्छा अच्छा चले आप, चलो जी चलो। चलो कोई अच्छी बात कर, क्या अच्छी बात, कोई अच्छी बात करना, रमजान है वैसे तो रोजा किया। अभी नमाजों की हिफाजत करो, नमाज पढ़ो, नमाजों की हिफाजत करो, पर सब सारी हिफाजत कर बहुत अच्छी बात किया तैमूर भाई ने ना, नमाजों को ध्यान करो, नमाज सिर्फ पढ़ो नहीं साथ एहतमाम भी कर रहे हैं ना, आराम सुकून से पढ़नी चाहिए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं ऐसे फायदा तो? अभी हम शादी से मिलने जा रहे हैं। शादी होंगे घर पे? सो रहा होगा, ऐसे सो क्यों होगा, नमाज भी पड़ी होगी उसने जोर। चाची के पास आए थे और ये सो रहे हैं, ऐसे चार बज रहे हैं ठीक है, और सो रहा है अभी, कहेगा सोना भी इबादत है। हाथ नहीं गया, वाह माशाल्लाह अरे काम वगैरह कर लिए, और शाजी ने हमें क्या किया, गोली करा दिया ना, मतलब आए थे बाहर मेरे जल्दी चले गए वापस आता बहुत सर, दिन में था शुक्र आ गया, बाहर मिलने आ गया बस, तो लेना पड़ेगा सुबह मिल गया, भारी नुकसान हो गया। ये बताओ ना ये शॉपिंग होती है? शॉपिंग दिखा, शॉपिंग भी है, एक केबल दिया, ये इंजन ना निकलने वाली गाड़ी के लिए एक मशीन दी है, उसकी चार्जर तो लग रहा चल जाए केबल, चल कहाँ जा रहे हैं अभी हम? अभी नमाज पढ़ने, अभी हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने असर की, रोज़ा खुलने में तकरीबन एक डेढ़ घंटा रह गया ना, फिर तैमूर साहब में नफारी कराएंगे ना, नफारी कराएगा ना? बिल्कुल कराएंगे, पक्की बात है। मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे, रुक जाइए ना यहाँ, रुक जाए मैंने वैसे भी टैक्सी और भी कर दिया। बहुत बगैरत है मेरे दोस्त का सबसे, बहुत बहुत हाई है तेरा, बहुत लास्ट तक करो, लास्ट तक करो, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे दोस्त है ना, बहुत मेरे दोस्त है ना, बड़े टूट हैं ठीक है बस। ये बाइक करेगा अंदर अभी, और हम जाएंगे वहाँ सामने नमाज पढ़ने। मुझे अब ना रोज़ा लगना शुरू हो गया, हल्का हल्का प्यास लग रही है, प्यास नहीं भूख भी लग रही है, प्यास भी, दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो घर जाऊँगा बस इसके बाद। अब कम से फ्री हो गए हैं, अब जा रहे हैं घर, तैमूर भाई ने गोली करा दी इफ्तारी के लिए, तो कहीं और से मिल रही है। अच्छा तो चलो करा देना, हाँ, तो पूरा महीना पड़ा है, हाँ, इंशाल्लाह ठीक है, 30वें रमजान के बाद इंशाल्लाह जरूर। अच्छा दोबारा रोज़ा रखोगे उसके बाद? घर जाते हैं बस, अब तारी करेंगे, रोज़ा भी लग रहा है हल्का हल्का, मौसम भी अच्छा हुआ है, तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह। घर से होकर वापस आया हूँ, मतलब आधे रास्ते से सामान शमान ले लिया था, तैमूर के पास वो रह गया था मेरा डाटा केबल, क्या बोलते हैं उसे, जो मैंने ली थी मशीन के लिए, नहीं घर पे है भी कि नहीं, अब लगता है शर्म नहीं आती
ये रहेगा तैयार मेरा यहाँ पे। अभी मैंने निकाल दिया, पता है मैं अदर रास्ते से वापस आया हूँ। अदर रास्ते से आया मतलब निकलने वाला था बस बाहर। मैंने कहा ना कोई ना कोई झूल के जाता है, कोई ना कोई तरह रह जाता है। अच्छा बस सही है, अल्लाह हाफिज़। मैं घर आ गया हूँ और रोज़ा खुलने वाला है, बस थोड़ा सा टाइम रह गया, आधा घंटा एक आदमी, आधा 45 मिनट। तो वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। आज का मूड ये है कि इंसान को ना किसी को देख के जज नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या पता जिसको बुरा वाला बोल रहे हो, जिसको तुम जज कर रहे हो, उसकी क्या बोलते हैं ज़ाहरी अपीयरेंस है जो मतलब तुम्हें नज़र आ रहा है, वो अंदर से वैसा ना हो, या अल्लाह के लिए क्या पता वो बंदा किस मकाम पे हो। तो किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा वाला नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, अगर जिंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या कर रहा है? डिजाइनिंग कर रहा हूँ मैं। ये और अच्छा लगेगा।